अब हमने अपनी स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट थिंग जो हमने फाइंड आउट कर लिया दैट इज स्टेट टेबल। बेसिकली एनालिसिस के क्वेश्चन में पहला हमारा जो स्टेप होता है, हमने इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, फिर हम स्टेट टेबल फाइंड आउट करते हैं, और लास्ट में स्टेट डायग्राम फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम जो दूसरा स्टेप है उस पर हैं, और हम देखेंगे कि हम स्टेट टेबल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली हमने अपनी फाइंड आउट किया था 2^n + n वाले फार्मूला से कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इस टेबल के अंदर कितने आने चाहिए, तो वो हमारे पास 8 निकले थे। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास दो साइड होंगी अपनी स्टेट टेबल की, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास प्रेजेंट स्टेट्स होंगी और इनपुट होंगी, तो इस पे जौन से भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन हम ऑलरेडी लिख लेंगे। इनकी बेसिस पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आएंगी और आउटपुट आएंगी, वो हमने आइडेंटिफाई करनी है कि वो क्या होंगी। अब हम नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट कैसे निकालेंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन फाइंड आउट की थी, ए ऑफ टी प्लस वन की इक्वेशन फाइंड आउट की हुई है, बी ऑफ टी प्लस वन की इक्वेशन फाइंड आउट की हुई है, और सिमिलरली आउटपुट इक्वेशन फाइंड आउट की हुई है। तो आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर जब हमने कम्बिनेशन बताया था, तो हमने ये देखा था कि हम किसी भी इक्वेशन से अपना ट्रुथ टेबल कैसे बना सकते हैं या ट्रुथ टेबल की वैल्यूज़ कैसे फिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही मैकेनिज्म यूज़ करेंगे हम, उस इक्वेशन में जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उसको एंटर करेंगे और उसकी बेस पे देख लेंगे कि ए क्या आएगा, सिमिलरली उसकी बेस पे देख लेंगे कि बी क्या आएगा, और इसी की बेस पे हम देख लेंगे कि हमारी आउटपुट क्या आएगी। इस तरह आप उस इक्वेशंस को यूज़ करके, ए ऑफ टी प्लस वन की, बी ऑफ टी प्लस वन की, और आउटपुट की इक्वेशन को यूज़ करके आप ये एंट्रीज फिल आउट कर सकते हैं। आई होप कि इसमें कोई ऐसी बड़ी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये हम पहले भी चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सटेंसिवली इस पर बात कर चुके हैं, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको बनाने में। अब ये हमारे पास हमारा स्टेट टेबल कंप्लीट हो गया है। इस स्टेट टेबल को अगर देखें तो अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो क्वेश्चन मैंने पूछा था स्टार्ट में कि वाई की वैल्यू 1 कब होगी। अब हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि वाई की वैल्यू 1 कब होगी। हमने अब ये एनालिसिस कर लिया है कि हमारे वाई आउटपुट 1 कब आनी है, कौन से ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं इनपुट के जब हमारे वाई की वैल्यू 1 होनी है। तो अब आप इधर से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाई ने किन पॉइंट्स पे 1 होना है, और बाकी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के केस में हमें पता है कि हमारे पास अगर प्रेजेंट स्टेट ये है और इनपुट की वैल्यू 0 आए तो नेक्स्ट स्टेट ये होगी, इनपुट की वैल्यू 1 आए तो नेक्स्ट स्टेट ये होगी। और सिमिलरली हमें आउटपुट भी पता है कि अगर मैं प्रेजेंट स्टेट फॉर एग्जांपल 1 1 पे हूँ और मैं 0 एज अ इनपुट अप्लाई करूंगा तो मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी और मेरी आउटपुट क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो है वो है स्टेट डायग्राम बनाना। स्टेट डायग्राम बेसिकली ग्राफिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, तो वो कंपैरेटिवली इससे भी ज़्यादा इजियर है टू अंडरस्टैंड टू रीड आउट, कि अगर आपने दोबारा एक चीज़ को देख के आइडेंटिफाई करना हो कि मैं स्टेट पे हूँ, इनपुट ये आ गया तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द कम्बिनेशन इन द ट्रुथ टेबल, हम वो स्टेट डायग्राम को देख के ज़्यादा कन्वीनियंटली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली स्टेट टेबल से भी हमारे पास स्टेट डायग्राम बन सकती है, लेकिन एक और इसका शॉर्टर वर्जन भी होता है कि हम स्टेट टेबल को एक शॉर्टर वर्जन में कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे स्टेट डायग्राम बनाना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। अब वो शॉर्टर वर्जन हम कैसे बनाते हैं वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली अगर आप देखें तो हम इसको इस तरह डिवाइड कर लेते हैं कि हमारे पास जो इनपुट होती है, अब वो इनपुट हमें पता है कि 0 1 0 1 0 1 यही हो रही होनी है, तो उसमें से जो चार कम्बिनेशन है जब जो हमारी इनपुट है वो 0 रहनी है वो हम सेपरेट कर लेते हैं, और वो जो चार कम्बिनेशन है जब इनपुट ने 1 होना है वो हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो हमने इसको एक्स इनपुट को इस साइड से ख़त्म करके यहाँ पे ले गए हैं कि एक्स ने, क्योंकि 4 टाइम्स हमारे पास एक्स ने 0 होना है और 4 टाइम एक्स ने 1 होना है, तो जब एक्स 0 होगा तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, वो सारी एंट्रीज हमने इस जगह पे लिखनी, और सिमिलरली जब एक्स 0 होगा तो हमारी आउटपुट क्या होगी, वो सारी एंट्रीज हमने इस जगह पे लिखनी। तो यहाँ पे 1 3 5 एंड सो फॉर 7 जो हमारे पास पोजीशन बनती है उन पे, क्योंकि एक्स 0 रह रहा था तो उनके केस में जो उसकी फर्दर नेक्स्ट स्टेट थी और आउटपुट थी वो हमने इन जगहों पे रिप्रेजेंट कर दी। सिमिलरली जब हमारे पास एक्स 1 होगा तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट क्या होगी और आउटपुट क्या होगी वो हमने इन जगहों में मेंशन कर दिए। तो ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि जहाँ जहाँ पे एक्स 0 है वो सेपरेट आउट कर लिए और जहाँ जहाँ पे एक्स 1 है वो सेपरेट आउट कर लिए, इन बोथ केसेस फॉर द नेक्स्ट स्टेट एंड द आउटपुट। फॉर वेरिफिकेशन पर्पज़ एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, मेरी प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, एक्स 0 था तो नेक्स्ट स्टेट 0 0 थी तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी, एक्स 1 था तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी।
सेम एज अगर आप 0-0 स्टेट पे थे, एक्स 0 था तो आउटपुट 0 थी, अगर आप 0-0 पे थे और इनपुट आपके वो 1 थी तब भी आउटपुट 0 थी, तो वो हमने इस तरह सेपरेट आउट कर लिया कि ये एक्स 0 के लिए है और ये एक्स 1 के लिए, सिमिलरली आउटपुट ये एक्स 0 के लिए है और एक एक्स 1 के लिए। सिमिलरली अगर इन्हीं बेसिस पे हम एक लास्ट वाले कम्बिनेशन को भी देख लेते हैं, अगर मैं लास्ट वाले कम्बिनेशन को देखूँ तो वो 1-1 है, अगर मैं 1-1 स्टेट पे हूँ और मेरे पास इनपुट 0 आती है तो मेरी नेक्स्ट स्टेट बनती है 0, 1-1 पे हूँ मेरी इनपुट 0 आती है तो नेक्स्ट स्टेट होती है 0-0। तो बेसिकली हमने 1-1 पे हो 0 तो नेक्स्ट स्टेट आती है 0-0, इसको सेपरेट आउट कर लिया, और 1 पे अगर मेरे पास मैं 1-1 स्टेट पे हूँ और मेरे पास इनपुट 1 आती है तो नेक्स्ट स्टेट 1-0 आती है, 1-1 पे हूँ इनपुट आप 1 अप्लाई करो तो नेक्स्ट स्टेट आपके पास 0-1 1-0 आती है, तो वो हमने रिप्रेजेंट कर दी। सेम एज आप इसी तरह आउटपुट को भी रिस्पेक्टिवली देख सकते हैं कि वो 1 और 0 आती है एक्स 0 और 1 के केस में, तो हमने वो भी सेपरेट आउट कर ली। तो ये जो टेबल है ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है, आप जो इसका कंप्लीट स्टेट टेबल है इससे भी अपनी स्टेट डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन इससे जो इसका शॉर्टर वर्जन है, कंप्रेस्ड वर्जन है, उससे स्टेट डायग्राम बनाना कन्वीनियंट है, थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, लेकिन एनी हाउ हम इससे भी बना सकते हैं। तो ये जिसका जो शॉर्टर वर्जन बनाना कंपल्शन नहीं है, इट्स फॉर योर ईज, अगर आप ये बना लें तो आपके लिए स्टेट डायग्राम बनाना कंपैरेटिवली इजी होती है, लेकिन हम इसको भी देख के अपनी स्टेट डायग्राम को बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑप्शनल, आपकी चॉइस है, आप इसको करना चाहें या ना करना चाहे, एनी हाउ लेकिन ये इसका बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि इसको देखते हुए कंपैरेटिवली आपको स्टेट डायग्राम बनाने में आसानी होगी।